फर्स्ट ऑफ ऑल चलान के बारे में अगर हम लोग बात करें, CSS 2024, मैंने ये टाइप किया CSS 2024 चलान फॉर्म, हम इसको क्लिक करेंगे और हमारे पास ये जो फर्स्ट आ जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट MPT चलान फॉर्म, ठीक है, ये हमारे सामने अब शो हो चुका है। इसकी प्राइस जो मैं जैसे मैंने ऑलरेडी आपको लोग बताया 250 है, ये आप लोगों के सामने शो हो रही है। ये आप लोगों ने जाके नेशनल बैंक में ऐड करवाना है और आप लोगों ने यहाँ पे जस्ट नेम ऑफ कैंडिडेट, मैं अपना नेम लिख चुका हूँ मोहम्मद अब्दुल बासित, आप लोगों ने CNIC अपना ऐड करना है, मैंने अपना ऐड कर दिया है। अच्छा यार, यहाँ से आप लोग प्रिंट ले सकते हैं और अपना नेम टाइप करके, अपना CNIC टाइप करके, टाइप मीन कि आप लोगों ने लिख लेना है पेंसिल के साथ। ये चलान कॉपी आप लोगों ने अपने पास संभाल रखनी है, एक FPSC के लिए है और सेकंडली एक आपकी अपनी है। इसका ये फायदा होगा कि इसके ऊपर एक तो ये जो 13 लिखा हुआ है ये आपका नंबर, इसी तरह आपको ये याद रहेगा। सेकंडली यहाँ पे कोड लिखा होता है, ब्रांच कोड जो होता है, ठीक है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होगी तो अब हम लोग बात करते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट में आप लोगों ने जाना है FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों ने लास्ट ऑप्शन जो शो हो रहा है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है, बट हम लोग न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र ही को क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं अपना नेम, फुल नेम लिखना है, ठीक है। तो एज़ पर योर मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट मीन के जो भी आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में CNIC पे है, जो आपका नेम FSC लेवल पे, मतलब इस नाम में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो नेम है लिखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट है जी लॉग इन। लॉग इन में इन्होंने क्या है बताया, वो जी मिनिमम 4 कैरेक्टर्स ओनली, अल्फ़ाबेट A to Z बट कैपिटल में एंड नंबर 0 to 9 अलाउड। सो ये हमें अलाउड है, इनको हम लोगों ने मद्देनज़र रखना है। तो ऐड कर देते हैं अब्दुल बासित 0, ठीक है। पासवर्ड में हम लोग मैंने अपना एक टाइप किया हुआ है, मुझे याद है, तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग ईमेल ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी, ईमेल ऐड करने के बाद हमारे पास कंप्यूटराइज्ड NIC नंबर, ठीक है, ये भी हम ऐड कर देते हैं। इसको आपने दोबारा गौर से पढ़ लेना है ताकि कोई गलती ना हो आपकी। गुड हो गया। नेक्स्ट में जी हमारे पास वेरिफिकेशन कोड 75337, इसको हम टाइप कर देंगे, ऑलमोस्ट ऑल डन। सो इसमें हम अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। इन ऑर्डर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CSS 2024 MCQ ऑल एप्लीकेंट्स हैव टू मेक फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएट प्रोफाइल, प्लीज़ यूज गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स। सो मैं यहाँ पे लॉग इन आई डी टाइप कर दूंगा अपनी, और जो मैंने दी थी वहाँ पे लास्ट में, और पासवर्ड मैं अपना टाइप कर दूंगा, इसको हम लॉग इन कर लेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह लॉग इन हो चुकी है, इसको सेव कर लेते हैं। तो अब हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। वेलकम मोहम्मद अब्दुल बासित टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CSS, ठीक हो गया। तो माय प्रोफाइल में क्या आ रहा है जी, हम लोग ऐड करेंगे क्रिएट एंड अपडेट प्रोफाइल, ठीक है, क्लिक हेयर टू क्रिएट योर प्रोफाइल, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। फादर नेम में मैं अपने वाले साहब का नेम ऐड कर दूँगा। डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, इस चीज़ का ख्याल रखना है, डेट ऑफ बर्थ ख्याल से ऐड करनी है, 1994, ठीक हो गया जी। इश्यूएंस ऑफ डोमिसाइल, इसमें मैं अपने डोमिसाइल का ऐड कर दूंगा। आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ रखने हैं, ठीक है, मैं चेक करता हूँ।
ओके जी, रिलीजियन में आप लोगों के पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम ऐड करेंगे, जो नॉन मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम ऐड करेंगे, ठीक है जी। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम। सो नेक्स्ट जेंडर में मेल आ गया, ये है जी मैरिड। जो सिंगल हैं वो सिंगल ही लिखें। जो गर्ल्स के लिए हैं, हस्बैंड नेम उन्होंने अपना टाइप करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम पोस्टल एड्रेस लिखेंगे। कोशिश आप लोगों ने करनी है कि जो आपके CNIC पे है वही ऐड करें, बेस्ट तो ऑप्शन ये है। अदरवाइज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर जो भी हो सकता है। लाइन वन लाइन टू भी हम ऐड कर सकते हैं अगर वो ख़त्म होती है तो। लाइन टू में परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जी, परमानेंट एड्रेस ऐड कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं होता आई थिंक, चलें लिखना पड़ेगा हमें। डोमिसेल इसको हमने ऐड करना है, तो मैं पंजाब का हूँ तो पंजाब का ऐड कर दूंगा। डिस्ट्रिक्ट भी ऐड करना है तो डिस्ट्रिक्ट में अपना ऐड कर दूंगा। आप लोगों ने अपना ऐड करना है, सरगोधा, ठीक हो गया। नेक्स्ट में ईमेल होगी और फोन, रेजिडेंस, मोबाइल नंबर। ये जो स्टार शो हो रहा है ना, ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है, बाकी ये जो ऑप्शनल हैं स्टार के अलावा जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं ये ऑप्शनल हैं। ऐड कर दें तो थैंक्स, नहीं करेंगे तब भी थैंक्स, ठीक है। मोबाइल नंबर ऐड कर दिए, CNIC मेरा ऑलरेडी ऐड है। नेक्स्ट है जी, ये आप लोगों के एज रिलैक्सेशन के ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये चेक कर लेना, जो जिस लिहाज से आप इसमें फॉल कर रहे हैं वो आप लोगों ने ऐड कर देना। मे बी अगर कुछ आर्म्स फोर्सेस के लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन है, गवर्नमेंट अप्लाइज करना चाह रहे हैं तो वो उनके लिए भी ऑप्शन है। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से इसको ऐड कर लेना, ठीक है यार। इसमें हम लोग जस्ट नो कर देंगे और सेव कर देंगे। हम लोगों ने अपलोड फोटो करना है, तो इसमें मैं आप लोगों को सामने चूज़ फाइल कर लूँगा। ओके, सो चूज़ फाइल में हम लोग डाउनलोड में जाएंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे अब्दुल बासित को। मैं पिक्चर अपलोड इज़ डन। अब हम इसमें नेम ऑफ एग्जामिनेशन ऐड कर देंगे। यूज़ दिस फॉर्म टू लिस्ट डिग्री, डिस्क्राइब वन लेवल ऑफ एजुकेशन एट अ टाइम, इंटर मोस्ट रिसेंट एजुकेशन फर्स्ट, मैक्सिमम 5 एंट्रीज आर अलाउड। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें मैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन ऐड कर दूंगा, BScS, ठीक हो गया। आपके पास शो हो रहे हैं ऑप्शन ग्रेड, डिवीजन एंड CGPA, तो मेरा CGPA था BScS में तो मैं वो ऐड करूंगा। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा और हम लोग यूनिवर्सिटी, इसमें अब हम लोग यूनिवर्सिटी ऐड कर देंगे, तो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया था।
नेक्स्ट है जी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लोकेशन, लोकेशन में हम लोग क्या ऐड करेंगे? कराची से मैंने लास्ट लिया था तो हम कराची ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। फॉर्म तो इसके लिए मुझे ट्रांसक्रिप्ट का सहारा लेना पड़ेगा, वहाँ पे ये चीज़ें लिखी होंगी, फ्रॉम डेट टू टू डेट, फ्रॉम टू, तो फ्रॉम टू लेट मी चेक, यस रजिस्ट्रेशन डेट 19/2018, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे 2018 एंड 19 मार्च, ओके हो गया जी। लास्ट हम लोगों ने कब फाइनल की उसकी डेट आ जाएगी। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट हमारे लिए आ रही है, चूज आर, ये नीचे ऑप्शन इन्होंने नोट दिया हुआ है, चूज आर इफ दिस इज क्वालिफिकेशन दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन इन केस यू आर MBBS, मतलब जो डॉक्टर्स इनके लिए भी ऑप्शन होता है, सो वो मार्क M कर देंगे। And if you have graduated from foreign university, choose F. तो हम लोग R select कर लेंगे। Major subject कौन से थे जी? Major subjects में हम लोग math लिख लेते हैं, math भी थी और science और एक और आप हम ऐड कर देते हैं, मैथमेटिक्स भी था, कंप्यूटर साइंस भी था, BMS लिखते, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक हो गया, इसके आगे स्टार नहीं है तो हम इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको हम सेव कर देंगे। BSc ऐड हो चुकी है, अब इसमें हम लोग नेम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें अब हम ऐड करेंगे ICS। मैंने ICS किया हुआ था, तो मैं ICS के वाले से ऐड करूँगा, आप लोगों ने जो जो क्वालिफिकेशन की हुई है वो आप उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। गॉट इट, BSCS मैंने पहले किया उसके बाद ICS, अब हम मैट्रिक ऐड कर देते हैं, ठीक है ना यार। अब आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि जो ये रेड लाइन में लिखा हुआ ना, इस चीज़ को गौर से पढ़ लें, ये इंटर मोस्ट रीसेंट एजुकेशन फर्स्ट मैक्सिमम 5 एंट्रीज आर अलाउड, सही है ना। आप लोगों ने जो रिसेंटली की हो, मे बी PhD की है, मे बी आप लोगों ने MBBS किया हुआ है, मे बी आपने BScS किया हुआ है, कुछ भी जो किया हुआ है आप लोग वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट में कौन सी की हुई थी BScS, उससे लास्ट में कौन सी की थी ICS की थी, उसके बाद अब हम मैट्रिक का ऐड कर देंगे, ठीक है यार। तो इसमें मैं आप मैट्रिक लिख देता हूँ, इसमें भी अब भावे हम कर देंगे डिसेबिलिटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं है मसला में, फिजिकल इम्पेयर्ड हेयरिंग ये हमारे पास नॉट एप्लीकेबल, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको नोट करेंगे, इसको हम अपडेट कर देंगे, तो हमारी ऑलमोस्ट सारी जो है वो क्लियर हो गई, जितनी भी एजुकेशन के लिए उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी हुई थी। अब हम लोगों ने करना है अप्लाई फॉर CSS, ठीक है। तो
ये हो गया जी एमबीटी का। अच्छा तो अब हमारे पास चलान रेसिपी नंबर जो है हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट की वीडियो में बताया था कि चलान जो आप लोगों ने नेशनल बैंक में जमा कराना है वो आपके पास होगा, तो उसमें नंबर लिखा होगा। मेरे पास 13 है, आप लोगों को कोई भी हो सकता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। रेड पेंसिल के साथ अक्सर लिखते हैं नेशनल बैंक वाले। तो ब्रांच एंड बैंक एंड ब्रांच ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक हो गया। नेक्स्ट में बैंक ब्रांच, इसका हम लोग लिख लेंगे साहिवाल्स सरगोधा। ये यार सरगोधा ही हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। कोड क्या है जी? नेशनल बैंक पाकिस्तान का कोड होगा आप लोगों के पास, ये चलान पे ही शो हो रहा होता है। वन नाइन सेवन सेवन, ठीक है। इसमें डेट आज ही मैंने जमा करवाया तो इसकी डेट आज लिख देते हैं, ठीक है जी। 11 सितंबर 2023। हाँ ये टेस्ट सेंटर जो है ना, ये इसका ख्याल से करना है। ये सारे सेंटर आप लोगों के पास शो हो रहे हैं, जहाँ आप इजीली फील करें वहाँ पे ऐड कर दें। तो मैं कराची ऐड कर देता हूँ क्योंकि मुझे कराची ही सूट करता है, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें डन होगी तो अब हम कर देंगे प्रोसीड नेक्स्ट। अच्छा तो ये अब आप लोगों के सामने शो हो रहा है, दिस इज़ नॉट योर एप्लीकेशन फॉर सी 2024, प्लीज़ रीचेक द एंट्रीज एज रिफ्लेक्टेड बिलो बिफोर सिलेक्टिंग कंफर्म एंड अप्लाई ऑप्शन गिवन एट बॉटम ऑफ दिस पेज। इन केस एनी क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट कैंसिल ऑप्शन एंड अपडेट योर एंट्रीज। ओके, आफ्टर सिलेक्टिंग कंफर्म एंड अप्लाई ऑप्शन योर एप्लीकेशन प्रोसीजर विल बी सबमिटेड एंड नो चेंज इन द एप्लीकेशन विल बी अलाउड। अच्छा तो ठीक है, ये जो है एप्लीकेशन जो मेरे सामने आप लोगों के सामने शो हो रही है, ये आपकी एप्लीकेशन नहीं है। आप इसको चेक कर लें दोबारा। इसका मतलब कहने का ये है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन शो हो रही है आप इसको दोबारा देख लें, अगर कोई इश्यू है कोई मसला है इसको अपडेट कर लें, चेंज कर लें, ठीक है। उसके बाद इसको कंफर्म करें, जब कंफर्म हो जाएगा तो फिर आप लोग इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रा कंफर्म कर लूँ। ओके डन, ऑलमोस्ट ऑल सब ठीक है। और इसमें अब मैं आप जस्ट यहाँ पे कंफर्म एंड अप्लाई करूँगा तो मेरा एमपीटी के लिए मेरा डन हो जाएगा। जस्ट मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा तो मेरा ये डन हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम कंफर्म कर देते हैं जी। योर सी एस एस एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम लोग एमपीटी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार एमपीटी के लिए मेरे पास एक बुक अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा अपनी ईमेल, मैं आप लोगों को ईमेल के थ्रू वो बुक सेंड कर दूंगा। सॉफ्ट कॉपी में है अगर आप तैयारी करना चाहें तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।